हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश क्लास विथ योर बुक द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक जनरल इंग्लिश ऑफ क्लास 12th लेसन नंबर 8 एंड्स एंड मींस एंड दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड हियर यू आर सीइंग द कवर पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज़ द स्पेक्ट्रम. इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव learned the story of the lesson ends and the means and now it's turn to do the word power and other exercise of the lesson. So we are doing word power. A. Fill in the blanks with the phrasal verbs based on make. नीचे यानी bracket में कुछ phrasal verbs दी हुई हैं make से आरंभ होने वाली. इन phrasal words को हमें यहाँ पर blanks में फिलअप करना है. पहले हमें इनका अर्थ मालूम होना चाहिए क्योंकि फ्रेजेस का जो वर्ड मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है एक्चुअल मीनिंग से, मतलब शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर होता है. तो यहाँ मेक यानी होता है बनाना, पर इसके साथ यदि कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो ये बन जाते हैं फ्रेज, और फ्रेज की मीनिंग एक्चुअल मीनिंग से भिन्न होती है. तो यहाँ पर देखें हम मेक आउट, मेक आउट का अर्थ होता है पता लगाना. फिर होता है मेक फॉर, मेक फॉर का अर्थ होता है हुक्म देना या पेश करना या सजेशन देना. मेक ऑफ, मेक ऑफ का अर्थ होता है चुपके से भाग जाना, चंपत हो जाना. मेकअप फॉर यानी होता है क्षतिपूर्ति करना, वो जो हम चेहरे पर मेकअप करते हैं मतलब कुछ कमी है उसकी पूर्ति करते हैं, वही मेकअप फॉर यानी क्षतिपूर्ति करना. मेक अप टू यानी होता है खुशामद करके काम निकालना. हमारे पास सारे शब्दों की मीनिंग आ चुकी है, सारे फ्रेजेस की. अब हमको फिलअप करना है इनकी ब्लैंक्स, तो अब हम फिलअप करते हैं. फर्स्ट वन इज़ लेट्स ब्लैंक द सिटी सेंटर एंड फाइंड अ रेस्टोरेंट ऑन द वे. यहाँ पे सजेशन है या फिर बोलें हुक्म है, तो वो जो सही फ्रेज आएगा वो होगा यहाँ पर मेक फॉर. लेट्स मेक फॉर द सिटी सेंटर एंड फाइंड अ रेस्टोरेंट ऑन द वे. तो ये जो मेक फॉर है इसका अर्थ यहाँ पर है सजेशन देना, चलो सिटी सेंटर चलते हैं. यहाँ चलो चलते हैं, लेट्स यानी एक तरीके का सजेशन होता है, चलो चलते हैं सिटी सेंटर. तो यहाँ पर सही शब्द आएगा मेक फॉर, चलो सिटी सेंटर चलते हैं और रेस्टोरेंट को रास्ते में पता कर लेंगे. नेक्स्ट है ही डिड नॉट ब्लैंक until she agreed to help. She did not, यहाँ पर आएगा make up to का अर्थ होता है खुशामद करना. वह तब तक खुशामद करता रहा जब तक वह सहमत नहीं हो गई मदद करने के लिए. He did not make up to until she agreed to help. वह तब तक मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक उसने मदद करने के लिए, तब तक वह सहमत नहीं हुई. थर्ड है ही ब्लैंक एज सून एज ही हर्ड देयर कार टर्न इनटू द ड्राइव. ही मेड ऑफ मतलब वह भाग गया जैसे ही उसने कार को टर्न, एज सून एज ही हर्ड देयर कार टर्न इनटू द ड्राइव. जैसे ही उसने कार को टर्न होते सुना वह भाग गया. तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम मेक को चेंज कर देंगे मेड में और सेंटेंस वही रहेगा, यहाँ हमारा आ जाएगा मेड ऑफ. तो सेंटेंस बनेगा ही मेड ऑफ एज सुन एज ही हर्ड देयर कार टर्निंग इनटू द ड्राइव. मान लो कोई चोर है और जैसे ही उसने कार को टर्न होते हुए सुना वह भाग गया, चंपत हो गया. यहाँ पर मेड ऑफ यानी भाग जाना. नेक्स्ट है द सुपर्ब फूड एट द होटल ब्लैंक द अनकम्फर्टेबल रूम. तो यहाँ पर यानी भोजन अनकम्फर्टेबल रूम की क्षतिपूर्ति किया बहुत अच्छे भोजन ने. तो यहाँ जो सही आएगा हमारा वो होगा मेक अप फॉर किया, लेकिन पास्ट टेंस में है ये. द सुपर्ब फूड एट द होटल ब्लैंक द अनकम्फर्टेबल रूम्स, हाँ तो बहुत अच्छे भोजन ने
जो आरामदायक रूम नहीं था उसकी क्षतिपूर्ति की, यानी पास्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मेक की जगह हो जाएगा मेड। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति की, मेड अप फॉर। आई कैन नॉट ब्लैंक व्हाई अवर टीम हैज़ डिक्लेयर्ड सो अर्ली। यहाँ पर मेक आउट का अर्थ होता है पता लगाना। तो आई कैन नॉट मेक आउट व्हाई अवर टीम हैज़ डिक्लेयर्ड सो अर्ली। मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि हमारी टीम इतने जल्दी क्यों घोषित कर दी गई। तो यहाँ पर मेक आउट यानी हो गया पता लगाना। अगली जो एक्सरसाइज है हमारी वो है बी, इन लैटिन मैलस इज बैड। लैटिन में शब्द है मैलस, उसका अर्थ होता है बैड, बुरा। बोनस इज गुड, बोनस का अर्थ होता है अच्छा। द टू रूट्स मैल एंड बेने कम आउट ऑफ दीज वर्ड्स विच आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो जो दो मुख्य शब्द हैं, रूट वर्ड्स यानी मुख्य शब्द हैं, वो हैं मैल और बेने। तो मैल यानी यहाँ पे देखिए मैल से बना बुरा, और बोनस का बेने लिया उसका अर्थ हुआ अच्छा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, मैल एंड बेने। टिक, टिक यहाँ पे सही का निशान लगाना है, द करेक्ट ऑप्शन। अब नीचे हमको बताना है कि ये जो दो दो शब्द दिए हैं ये सेम है मीनिंग में कि अपोजिट है मीनिंग में। तो देखें हमारे पास जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में पहले हम इनकी मीनिंग जान लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये समान अर्थी हैं कि अपोजिट अर्थ देने वाले हैं। तो बिनाइन यानी होता है मेहरबान या सौम्य। तो इसका जो दूसरा शब्द दिया है हेटफुल यानी घृणा करने योग्य, घृणा से भरा हुआ। तो स्वाभाविक है मेहरबान और घृणा ये दोनों अपोजिट हुए। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन पुरुष है ना। तो इस और काइंडली का अर्थ भी होता है दयालु। स्वाभाविक है जो सज्जन है वही दयालु होगा। तो इसका जो है ये सेम वाले कॉलम में मैंने टिक लगा दिया है। फिर बेनेडिक्शन यानी होता है आशीर्वाद देना, और मैलडिक्शन यानी होता है अभिशाप देना, कर्स करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो मैंने यहाँ पर अपोजिट पर निशान लगा दिया है। फिर है बेनिफैक्टर यानी दान देने वाला। तो दान देने वाला और ईविल डूअर यानी जो ईविल यानी बुरा, डूअर यानी करने वाला, बुरा करने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, दान देने वाला और बुरा करने वाला। तो ये अपोजिट पर निशान लगाया है। फिर है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट यानी होता है भलाई करने वाला, और वेल डिस्पोज्ड यानी भी होता है हितैषी, भलाई करने वाला और हितैषी। स्वाभाविक है जो हितैषी है वही भलाई करेगा। तो ये दोनों भी सेम मीनिंग वाले हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेने और माल है ना, इनका हमको देखने को मिला कि ये दोनों मैलस और बोनस से उत्पन्न हुए वर्ड हैं, मैल और बेने, और ये अपोजिट में आते हैं, इनका सेम में मिलना बहुत कठिन है। नाउ इट्स टर्न टू डू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स, एंड द लेसन इज रिटन बाय रामेंद्र कुमार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज स्वामी अरवसु। आंसर है स्वामी अरवसु वॉज अ मॉन्क, स्वामी अरवसु एक संत थे। मॉन्क यानि संत या सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री। वह बनियान ट्री यानि बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। आंसर है ही वॉज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री एड्रेसिंग हिज फेथफुल। वह बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अपने विश्वास पात्र या निष्ठावान जो उनके प्रति थे उन लोगों को संबोधित कर रहे थे। एड्रेसिंग यानि संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसाइपल। यानी किस शर्त पर संत ने बिरजू को अपना शिष्य स्वीकार किया था। तो आंसर है द कंडीशन वॉज दैट
ही विल नॉट मिसबिहेव। कंडीशन यानी शर्त यह थी कि वह मिसबिहेव यानी दुराचार, कोई भी गलत व्यवहार भविष्य में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। क्या हुआ जब बिरजू फायरवुड यानी जलाने की लकड़ी लेने गया। आंसर है, व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड ही वॉज फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ अ वूमन एंड हर टू चिल्ड्रन टू कमिट थेफ्ट। जब बिरजू जलाने की लकड़ी लेने गया तो वह मजबूर हो गया, यहाँ पे फोर्स्ड बाय मतलब मजबूर हो गया कि चोरी करने के लिए, उसकी क्या देखकर, द पॉवर्टी ऑफ अ वूमन एंड हर टू चिल्ड्रन, एक महिला और उसके दो बच्चों की गरीबी को देखकर वह मजबूर हो गया कि वह चोरी करे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट। बिरजू ने जब झोपड़ी के अंदर झांका, पीप्ड यानी झांकना, तो उसे क्या दिखाई दिया। व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट ही सॉ टू चिल्ड्रन हडल्ड अप इन अ कॉर्नर। जब बिरजू ने अंदर झांक के देखा झोपड़ी में, तो उसने देखा दो बच्चे हडल्ड अप सिमटे हुए से बैठे हुए थे कॉर्नर में, एंड अ वूमन ट्राइंग टू गिव देम एन इम्प्रेशन दैट समथिंग वॉज बीइंग फ्राइड। और एक स्त्री को ऐसा इम्प्रेशन यानी भाव प्रदर्शित कर रही थी कि कोई चीज़ तली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह संत ने और उनके अनुयायियों ने क्या मिरेकल यानी जादू या चमत्कार देखा। आंसर, दे सॉ दैट अ सेलेशियल व्हीकल डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई। उन्होंने देखा कि एक स्वर्ग का वाहन डिसेंडेड फ्रॉम आकाश से नीचे उतर रहा है, डिसेंडेड यानी नीचे उतरना, एंड अ वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट, और एक अच्छे कपड़े पहने हुए स्वच्छ कपड़े पहने हुए व्यक्ति उस वाहन से बाहर आया। ही लुक्ड फॉर बिरजू, उसने बिरजू को ढूंढा देखा, एंड टुक हिम और बिरजू को ले गया, अवे विद हिम और बिरजू को अपने साथ ले गया उनसे दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरवसु द सेज। ब्रह्मदत्त के अनुसार वो क्या चीज़ थी जिसने बिरजू जो चोर था उसे महान बनाया, देन स्वामी अरवसु द सेज, बजाय स्वामी अरवसु जो संत थे उनके बजाय बिरजू कैसे महान हो गया। आंसर है, बिरजू थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज फॉर फीडिंग द हंग्री। बिरजू ने जो कल रात चोरी की थी, पिछली रात चोरी की थी, वो फॉर फीडिंग द हंग्री, भूखों को भोजन कराने के लिए की थी, एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन, ना कि स्वयं के लाभ के लिए, यहाँ पे गेन यानी फायदा या लाभ या प्राप्ति। दिस मेड हिज डीड नोबलर, इस चीज ने, इस कर्म ने उसे पवित्र बना दिया, महान बना दिया, एंड ही सरपास्ड स्वामी अरवसु, और वह स्वामी अरवसु से भी ऊपर उड़ गया, द सेज जो संत थे उनसे भी ऊपर अब बिरजू के कार्य हो गए थे, और बिरजू अब स्वामी अरवसु से भी ज़्यादा महान हो चुका था, ऐसा ब्रह्मदत्त के अनुसार कहा गया है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के समाप्त होते हैं। ध्यान रखें, मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स की संख्या तो जो लेसन के पीछे दी हुई है वो बहुत ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन एंड आंसर हैं। उसमें से वही क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं जो पिछले वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप चाहें तो अन्य आंसर्स को आप अरेंज कर सकते हैं, बाकी इतने करेंगे, इसमें भी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य लोगों को भी शेयर करने से फ़ायदा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।